हाँ जी, कैसे हाल चाल? वेरी गुड आफ्टरनून। और मैं अभी आसान तरीके से, सबसे आसान तरीके से रोटी बनाना सिखाऊंगा कि रोटी किस तरीके से बनती है, फ्रॉम स्टेज जीरो टू फाइनल स्टेज। और पहले मुझे लगता था कि सब्जी बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है और रोटी उससे ज़्यादा मुश्किल काम है, बट फिर धीरे जैसे प्रैक्टिस हुई लॉकडाउन में, फिर अब सब्जी बनाना थोड़ा मुश्किल लगने लगा। उससे आसान है कि रोटी बना ली जाए। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, आटा इस तरह मार लेते हैं। ठीक है, और जिस साइज की रोटी आप खाना चाहते हैं वो उस हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अरे गूंदेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से रोटी का इतना बड़ा ये लिया। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि इतने से आटे की जो रोटी का साइज होगा वो किस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको गोल गोल ऐसे ऐसे करते जाएंगे। ठीक है, और जब पूरी तरह गोलाई बन जाएगी इस तरीके से टिकिया, उसके बाद जो हमारा पत्थन जिसको बोलते हैं, या कहीं कहीं इसको पलोथन बोलते हैं वेस्टर्न यूपी में। ठीक है, तो इसको इस तरह से लगा लेंगे और हाथ से इस तरह इस तरीके से इसको गोलाई करते जाएंगे, जैसे कि हमारी डिस्क होती, जैसे हम लोग बचपन में खेलते आते हैं उस तरीके का। इसका साइज उस तरीके के बनता जाएगा। ठीक है, तो और हम इसमें सफिशियंट मात्रा में आटा लगा देंगे ताकि हमारा जो है ना पटा होता है, या फिर अगर स्लैब पे अगर आप बेलते हो तो इस तरीके से रोटेट होती रहे, जैसे हमारा इसमें बेलन चलेगा। और हमें ध्यान ये रखना है कि बेलन पे भी सफिशियंट मात्रा में ये पलोथन जो है इसमें चिपका हो। तो ये थोड़ा ऐसे जब होता है तो रोटेट होता है, तो हमें इसमें करना क्या है कि सबसे पहले बिल्कुल सीधा चलाएंगे तो लंबाई में हो जाएगी। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि ये वाला हैंड पहले हल्का सा आगे, ठीक है, तो उसके बाद ये हैंड हल्के से पीछे, तो दोनों इस तरीके से जब रोटेट होगी इस तरीके से, तो रोटी अपने आप गोल बनेगी और रोटेट होके घूमेगी। तो मैं जो इसको बहुत स्लो करके मैं दिखा रहा हूँ, इस तरीके से होता है जो हाथ चलता है हमारा। अभी थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब हाथ तेज चलता है तो ध्यान देना, आपके मम्मी और पापा जी का हाथ रोटी पे पटे पे इस तरीके से चलेगा स्पीड से, तो आपको लगेगा कि इस तरह कर रहे हैं, बट वो हो रहा होता है इस तरीके से। ठीक है, तो अभी हम फिर से देख लेंगे कि किस तरीके से होता है। तो इसको हम इसी काम को थोड़ा सा फास्ट तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे ये जो रोटी है बिल्कुल सर्कुलर मोशन में, बिल्कुल मतलब सर्कुलर साइज का बन गया है। ठीक है, और आपको लग रहा हो कि सीधा मैंने चलाया, जबकि हो इस तरह रहा था कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये, फिर ये। इस तरीके से रोटी हमारी बनती जाती है। अगर थोड़ा बहुत गोलाई नहीं है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसको हल्का से ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, जैसे करना है वैसे कर लो। ठीक है, जैसे पटेगा शायद। तो हमने जो इतना अमाउंट लिया था उस हिसाब से हमारी ये इतनी रोटी तैयार है, और बिल्कुल गोल एकदम। ठीक है, आप रोटी में चाहो तो इसमें खमीरी, मेथी, या फिर इसमें कुछ भी कुछ मिक्स कर सकते हो, लोग अलग अलग चीज़ें मिक्स करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बन गई, और इसको तवे पे इस तरीके से डाल देते हैं। देखो बिल्कुल सही तरीके से फिट आ गई है उसमें, कुछ देर उसको रखा रहने देंगे। अगर गैस तेज है तो कम टाइम के लिए, अगर गैस धीमे है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम भी रख देंगे। उसके बाद रोटी हम इसकी पलटा लेते हैं, जब ऐसी शक्ल हो जाती रोटी की, इसका मतलब रोटी जो है ठीक से बनेगी। और हमें ये ध्यान रखना है कि हमने इसमें खमीरी, मेथी और एक दो चीज़ें वगैरह डाल दी हैं, इसलिए थोड़ी कुड़कुड़ी क्रंची बनानी है, तो ये सब चीज़ डाल देना। अगर नहीं डाली है तो रोटी रोटी बिल्कुल मुलायम बनेगी। और इस तरीके से इसको रोटेट करते जाते हैं, और हमें ये ध्यान रखना है कि किनारे पूरी तरह सिक गए हैं कि नहीं, इस तरीके से घुमाते जाते हैं इसको। और रोटी हमारी जो है लगभग एक तैयार हो गई है। तो रोटी की जो टेक्सचर और शक्ल है इस तरीके का है, और बहुत ही बढ़िया इसका कलर सामने आया है। तो इसको बहुत चाव के साथ खाना है हम लोग को, और ये रोटी बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो गई है। और अगर आपको आटा गूंदना नहीं आता तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आटा कैसे गूंदते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना।
और फिलहाल रोटी का मैं आनंद लेता हूँ, और आप भी अपने घर रोटी बनाओ और बताओ यार कैसे बनी आपकी रोटी, और कोई कमी लगती है तो फिर मुझे देख के बता देना, ठीक है? मैं बताऊंगा कि यार कमी वो दूर कैसे होगी रोटी में। ठीक है, चलते हैं अभी, बाय बाय एंड टेक केयर, और खाओ पियो मत करो।